दिल्ली के इस दंगे के सबसे बड़ा वजह होते हैं आपका लापरवाही। आप कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को सारे दुनिया में शिखर में पहुंचाऊंगा, बाद बात में पाकिस्तान को उड़ा देते हैं, टेररिस्ट के खिलाफ आवाज उठाता है, हम भी समर्थन करते हैं आपको, टेररिस्ट को खत्म करो, पाकिस्तान की किस तरीके की हरकत को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो कि जब हम हिंदुस्तान से जाकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक करते हैं, उसकी हिम्मत हमारा है, तो हम दिल्ली की दंगा को क्या रोकने नहीं सकते थे, बताओ आप। और वो भी खास दिल्ली में, वो भी खास दिल्ली में, हमारे नेशनल कैपिटल में, और वहां हर दिन भड़काऊ भाषण चलते हैं, हेट स्पीचेस। हमारे हिंदुस्तान में एक बात बन गई है कि हेट स्पीचेस, किसने हेट स्पीचेस देते हैं, किसने दिया है हेट स्पीचेस? फटकरा लगाते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट, फटकरा लगाते हैं आपको आपको हाई कोर्ट फटकरा लगाते हैं, क्यों? आपका अगर गलती नहीं है तो यह किसके गलती है? आज दिल्ली में, दिल्ली की जब न्यायाधीश जब आपको पार्टी के खिलाफ फटकरा लगाते हुए पुलिस को कह रहे हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लो, तो रातों रात तबादला हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये मिडनाइट सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं जुडिशियरी पे, मिडनाइट सर्जिकल स्ट्राइक ऑन जुडिशियरी, रातों रात तबादला। क्यों? उनका गलती क्या था? उनका गलती ये था कि आपको जाने माने नेता के खिलाफ जो भड़काऊ भाषण देने में माहिर है, जो भड़काऊ भाषण देने में माहिर है, आज तो सारे हिंदुस्तान में एक नारा लग गया, गोली मारो सालों को। क्या ये हमारा सीना चौड़ी करते हैं? बताओ, ये क्या हमारे लिए गर्व महसूस करने का मुद्दा है? बताओ, अगर नहीं है, आप इनके खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं जिक्र करते, एक शब्द क्यों नहीं उल्लेख करते हैं? आपने आपने और क्या किया देखते हैं? ये आज अचानक जस्टिस मुरलीधरन पे ये हमला नहीं हुई। यू हैव ट्राइड योर बेस्ट टू स्टॉप के एम जोसेफ एलिवेशन टू द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज ही हैड क्वाश्ड द प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड इन उत्तराखंड। दे स्टॉल्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ गोपाल सुब्रमण्यम एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सिंस ही हैड आर्गुड केसेस अगेंस्ट द पीएम एंड होम मिनिस्टर इन गुजरात रायोट्स। जस्टिस गीता मित्तल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट हु गेव जजमेंट अगेंस्ट सेल कंपनीज दैट आर्ट द गवर्नमेंट वाज ट्रांसफर्ड। तो ये क्या किया सर? सर, आई वुड लाइक टू रिटर्न दैट द मिड नाइट नोटिफिकेशन सर, द मिड नाइट नोटिफिकेशन 355 जस्टिस 355 हु सेट अप ऑन डिसिप्लिन 355 सर, इन्होंने जितने नाम लिए सर, ये जस्टिस के नाम लिए, और ये 352(5) ये कहता है कि मेंबर व्हाइल स्पीकिंग शैल नॉट रिफ्लेक्ट अपॉन द कंडक्ट ऑफ ए पर्सन इन हाई अथॉरिटी अनलेस द डिस्कशन इज बेस्ड ऑन ए सब्सटेंसिव मोशन। इन्होंने बिना मोशन लिए हुए जस्टिस मुरलीधरन का नाम लिया, गीता मित्तल का नाम लिया, ये जज का नाम नहीं ले सकते और इस तरह की चीजों को नहीं कर सकते। ये ट्रांसफर हमने नहीं किए, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया है, हमने नहीं किया है। आप जो है नहीं, इनको वापस लेने चाहिए, बंद करने चाहिए सर, नहीं हो सकता, ये गलत है सर। सर मुरलीधरन, सर मुरलीधरन, मुरलीधरन का ट्रांसफर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया है सर। सर ये क्या बात नहीं बोल रहे? ये 18 फरवरी को हुआ है सर, हमने नहीं किया है, और ये इनको सब्सटेंसिव मोशन देना पड़ेगा सर। जानते हैं कि चीफ जस्टिस ही सर करते हैं, अब फिर ये सरकार के ऊपर कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं सर? और यदि चीफ जस्टिस के ऊपर क्वेश्चन है तो ये चर्चा नहीं हो सकती है सर। नाउ दे हैव नाउ रिटर्नेड देयर मैसेज अगेन बाय इशूइंग अ मिडनाइट नोटिफिकेशन। एक मिनट, एक क्लेरिफिकेशन दे दूं, ट्रांसफर कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रेकमेंड करता है। मिडनाइट ट्रांसफर जो हुआ है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने मिडनाइट ट्रांसफर किया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। क्लैरिफाई अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, हमारे पिनाकी जी बहुत वरिष्ठ साथी है, लेकिन कॉलेजियम के रिकमेंडेशन पे ये ट्रांसफर होते हैं, लेकिन जुडिशरी के डिसीजन को हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं सर। सर
Sir, they have now reiterated their message again by issuing a midnight notification transferring Justice Muralidhar, who set upon disciplining the Delhi police into taking the required legal action by sternly ordering FIR against Kapil Mishra, Anurag Thakur, Prabhesh Verma, Abhay Verma and others. The government's action in giving a reprieve to the troublemakers and the police only speaks volume about their complicity. Yes. Sir, Supreme Court kya kaha? Lack of professionalism of Delhi police. The bench of justices S.K. Kaul and K.M. Joseph observed, had the police acted the way law required them to act and stop people from inflammatory remarks, the spiral of violence could have been averted and life saved. लोगों को बचाना जाता। मैंने नहीं कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सर। सर, there is a growing disconnect between the lower ranks with their seniors. Police complaints authorities are lame duck institution. सर, मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ। आप देखो सर, क्यों बात ये सब बात करते हैं? हाँ सर, एक मिनट, अगर आपको हो तो मैं जो 352 पर मेंशन पर बता दूं, आपका विचार हो जो इन्होंने विषय उठाया उस विषय में बिना मोशन के कोई चर्चा नहीं कर सकते। इस विषय मोशन दे के ही चर्चा की जा सकती है। हाँ, लेकिन ठीक है। हाँ, शब्द का बात, ये ए मेंबर व्हेन स्पीकिंग शैल नॉट रिफ्लेक्ट on a person in high authority. Adit Chaudhuri is not reflecting on any conduct. He is just stating some names. Why should you object to that? One must understand the word reflect. Reflect means passing comment. Reflect means thinking. Just because he mentioned Justice Muralidhar, nahi hona chahiye, kya halla karega? This is the way. Reflect means adversely. Dada, reflect dada, means adversely. Dada, sir, ye suniye aap. Main rok rok nahi raha. Sir, reflect zaruri shabd hai. Main rok nahi raha. Isko aap rok nahi raha, lekin niyam ki baatein kam kare. Sir, sir, main isliye keh raha hu sir. Aapka sir, आपका समय समाप्त हो रहा सर। मेरा पीड़ा सर, ये लोग जो मेरा समय कटौती किया वो भरपाई कर देना सर, प्लीज। आप ही कस्टोडियन है सर। मैं इसलिए पीड़ित हूँ सर, अगर आंकड़ा देखा जाए सर तो क्या देखते हैं कि 53 लोगों को मौत हो चुके हैं। पता नहीं कि अगले क्या होगा, सदन में हमारा गृहमंत्री बताए। और ये अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़ की नुकसान हुआ है जान माल की, 25,000 करोड़। 102 आदमी को बुलेट का जख्मी है सर। सबसे बड़ा चौंकाने वाला बात यह है कि पुलिस कंट्रोल रूम रिसीव नियरली 21,000 डिस्ट्रेस कॉल्स बिटवीन फेब्रुअरी 22 एंड फेब्रुअरी 29। ऑन फेब्रुअरी 24 एंड 25 अलोन व्हेन द कॉमुनियल वायलेंस was at peak in several parts of Northeast Delhi, the police control room received over 13,000 riot-related calls. The following day, around 6,000 calls were made, but no response has been given. Even emergency services were not provided to those affected people. So, ये आपका गृहमंत्री गृहमंत्रालय की हालत है। तो ये हालात हमें बताना पड़ेगा सर। ये पुलिस वाले ने कोई ना सर, काबिलियत में कोई कमी नहीं आई। पुलिस वालों का दिल्ली का काबिलियत में कोई कमी नहीं आई, लेकिन ये सरकार की इशारों पे चलने लगे हैं। ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज पैदा होते हैं सर। जामिया मिलिया में, जेएनयू में आप देखिए, बिन बताए पुलिस घुस जाते हैं। नाकाबपोशी संगी के गुंडे घुस जाते हैं, लेकिन जब जब असली समय होते हैं तब ये चुप पिसादे रहते हैं। और अरे सबसे बड़ा तुम खतरनाक आदमी हो सर। सर 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 एक बात सर देखिए, अगर सर अगर बात सुनिए, आप सब सुनिए, अगर ये हालत को निपटने का रास्ता था किसने दिखाया? अजीत डोभाल साहब ने दिखा दिया कि तीन दिनों चार दिनों जब अजीत डोभाल
साहब ने हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो रास्ते में जब उतरे सारे ठंडक पर गया, कैसे अजीत डोभाल को क्यों उतरने पड़ा जब होम मिनिस्ट्री है, उनका दो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को क्यों उतरने पड़ा? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए कभी नहीं उतरते, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये होम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करते, सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते। इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आपके ऑफिस में भरोसा नहीं किया था? तो ये क्या है? हिंदुस्तान में अभी दो किस्म के पावर ऑफ सेंटर बनते जा रहे हैं, पीएमओ और एचएमओ। नहीं तो ऐसा किस लिए हुआ? अजीत डोभाल को क्यों उतारने पड़ा? जवाब आपको देना पड़ेगा सर। ट्रक फुल्स ऑफ स्टोन्स, पीसेस ऑफ ब्रिक्स, कंस्ट्रक्शन डेब्रिस वेयर सीन एंटरिंग ईस्ट दिल्ली ड्यूरिंग दोज डेज। हाउ दिस कुड वेंट अननोटिस्ड बाय गवर्नमेंट? सीवर रेसिडेंट्स क्लेम दैट अनरूली एलिमेंट्स कंटिन्यू टू एंटर एरियाज अराउंड सीमापुरी, भजनपुरा, मौजपुर, जफराबाद यूजिंग सिमिलर रूट। सर यह दोनों सरकार, एक तो दिल्ली की सरकार हमारा केंद्र की सरकार है और दूसरा दिल्ली की सरकार केजरीवाल जी की सरकार है, दोनों सरकार चुप्पी साधी रहे। दिल्ली की सरकार की मोहल्ला नेटवर्क उसको इस्तेमाल नहीं किया गया, चुप्पी साधी रहे सर। इसलिए ये दंगा पीड़ित लोगों को देखभाल करने के लिए किसी को, उन लोगों को देखने का मौका नहीं मिला। मैं सर दो बात करके छोड़ दूंगा सर। एक बात मैं हमारा राजनाथ सिंह जी उपनेता है उनको बताना चाहते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू जी थे तब दिल्ली में दंगा हुआ था। पुराने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू साहब खुद दंगा के सामने हाथे लाठी लेकर उतर पड़े थे, दंगा को रुका था। किंग्सवे कैंप में जहां पीड़ित लोग थे, जवाहरलाल नेहरू जी गए, एक बुढ़िया ने जवाहरलाल नेहरू जी को कलर पकड़ी और कहने लगे कि जवाहरलाल आप तुम यहां आए हो, तो जवाहरलाल ने जवाब में कहा कि आप इल्जाम लगाते हैं मैं कुछ नहीं कर पाए, हो सकता है आपके इल्जाम सही हो सकता है, क्योंकि बुढ़िया कहने लगे आप तुम आए हो तुम कुछ काम करने के लायक नहीं हो। तो जवाहरलाल नेहरू उनको कहा कि माता जी मैं कुछ करे या ना करे कम से कम हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री को कलार पकड़ने की अधिकार तो आपको दिए हैं। तो हिंदुस्तान की एक बुढ़िया जवाहरलाल नेहरू के कलार पकड़ने की अधिकार मिला था, वो जवाहरलाल नेहरू का जमाना था। आज अंकित शर्मा मरे हैं, इतने सारे 53 आदमी मर चुके हैं, ना हमारा प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री कभी किसी को घर में गए हैं, कभी किसी को घर में जाके आपने उनको आपने भरोसा दिलाया है? क्यों? ये का जिम्मेवारी नहीं था आपको? अब बताइए, ये का जिम्मेवारी नहीं था? आप कहते हैं कि होली का त्योहार है, हम किसी से नहीं मिलेंगे। अरे कोरोना तो है हिंदुस्तान में, कोरोना से आम आदमी से ज्यादा डर आपका है, आपका ज्यादा डर है। कम से कम मास्क लेकर आप निकल सकते थे, आप कम से कम दंगा पीड़ित इलाकों में मास्क लेकर घुमा करते थे, आपको देखते सबको पता चलता कि अमित शाह जी आए हैं। जहां अजीत डोभाल जा सकते वहां क्यों आप नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? तो इसलिए हमारी आपसे, आपके विरोध में हमारा एलिगेशन है, पीएम प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हमारा आरोप है, क्योंकि वो देश की प्रधान होते हैं, आप गृह मंत्रालय आपको देखभाल करने की जिम्मेवारी होते थे, कानून व्यवस्था के आप दोनों ये रायट जब होते थे, दंगा जब होते थे, आपने खुलेआम ये दंगा को होने दिया, आपने कुछ नहीं कहा। इसलिए 3 दिन के बाद आपका नींद टूटे, प्रधानमंत्री जी कुछ कहने लगे, आपने बहुत दिन के बाद आपने भी 2-4 ट्वीट किए हैं, लेकिन कहीं जगह आपने नहीं कहा। आपको क्या ये नहीं लगते ये आपके लिए सही कदम नहीं था? ये क्या आपको नहीं लगते आप जो करना चाहिए था वो आप नहीं कर पाए और आप नहीं करें? तो इसलिए हमारी तरफ से ये सरकार से हम कई मांग करते हैं, वो मांग एक नंबर ये है कि इन द लाइट ऑफ द स्केल ऑफ वायलेंट एंड कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है, ये पढ़ने के छोड़ देते हैं, 7-8 पॉइंट है ऐसा छोटा। इन द लाइट ऑफ द स्केल ऑफ वायलेंट एंड कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वी स्ट्रांगली डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह जी।
the failure of the intelligence acts and omissions of the Delhi police and the overall failure of the home ministry officials in failing to prevent the violence and bring back normalcy are sufficient grounds for the dismissal of home minister. Kyun aapko rehne nahi chahiye wo bhi bata diya sir. FIR should be filed immediately by the Delhi police against all perpetrators as well as inciters including MOS for finance Anurag Thakur, BJP MP Prabhas Verma, BJP leader Kapil Mishra and BJP MLA Abhay Verma. Since the police have expressed their apprehension about the two SIT's limited mandate as well as BJP complicity the committee, that we urge that a judicial inquiry be conducted with a sitting judge of the High Court, Supreme Court to ensure impartial inquiry. Sir, abhi bhi maine gaya tha Ankit Sharma ji ka ghar, maine aur tarah gaye the, Solanki ji ke ghar gaye jinke bhai ki maut ho gayi thi. Sir, wahan log kehte hain ki SIT to gathan hue hain, lekin jiske marzi usko utha ke le jate hain raat mein. Ye dekhna chahiye, logon ke andar dar, khauf paida hue hain sir. Logon ke andar bhayabhit ki mahol abhi barqarar hai. Sir, baat ye hai ki वायलेंस तो अभी घट गए हैं लेकिन डर अभी बरकरार है. ये आपको थोड़ा देखना चाहिए सर. बोथ द स्टेट एंड सर हो गया बोथ द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट आइडेंटिफाई द रेस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेट एंड पुलिस ऑफिसर एंड एंश्योर दे फेस ड्यू प्रोसीजर फॉर डेरिलिक्शन ऑफ देयर ड्यूटीज एंड चार्ज देम फॉर आटर इनकॉम्पिटेंस एंड इनएफिशियंसी इन हैंडलिंग द सिचुएशन. स्टेट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ एस्टेब्लिश सफिशियंट रिलीफ सेंटर and provide rehabilitation as well as legal, medical and other kinds of support to the victims and affected people. Sir, the state government should ensure adequate support to all the relief centers and subsequently ensure rehabilitation of all the people affected and displaced and their safety. Sir, the state government immediately conduct a comprehensive damage assessment in the affected areas and provide compensation commensurate with the loss of life and property. We also recommend an independent monitoring system be established to monitor government operation in affected areas and to ensure the rights of the affected families to adequate protection, compensation, relief and rehabilitation. Sir, state government should restore certificate of students which have been destroyed during the riots, take sufficient measures to support students for their examination and ensure they do not lose the entire academic year. Sir, Aman Committee should be formed by the state government in Mohalla where it is required, consisting of members of all communities. Sir, Delhi government should ensure interest-free loans are extended to all the owners of commercial establishment and those in the informal sector over and above the compensation for their losses. In order to quicken the healing process of the affected families, especially women and children, the state government support and facilitate NGOs involved in grief and trauma. Sir, the efforts of citizens, collective and individuals in providing relief and support to the victim and affected people should be lauded. We appeal to the people of Delhi and the country to extend their support to their efforts. Sir, isliye hum kehte hain ye sarkar ki sarasar nakamiya hai, nikammi sarkar, aur ye nikammi sarkar mein hamare griha mantri Amit Shah ji hai, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से हमारा उम्मीद था, वो भी हमें पूरा नहीं हुआ. इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा ये चर्चा में प्रधानमंत्री भाग ले, हमारे ये चर्चा में